चार राज्यों में जीत की खुशी में बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। शिमला में शुक्रवार को बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब विजय रैली निकाली, जिसमें शहरी विकास मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चार राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। परचम लहराया है जिसमें सरकार रिपीट करती है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ आबादी है और उस 22 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 5 वर्ष जो है वो शासन चलाया और उसके बाद जो है वो भारी बहुमत से प्रचंड जो है वो बहुमत के साथ जो है द्वारा रिपीट किया है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सभी स्थानों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। जो कहा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जो है वो परिवर्तन होता है, ये इस बार के चुनाव में दिखा दिया है कि अगर जो है वो कोई सरकार काम करती है तो उस काम के आधार पर जनता उसका समर्थन करती है। और इसका जो है वो सीधा सीधा उदाहरण जो वर्तमान में 5 चुनाव हुए हैं उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हुई हैं और यही रिपीट का मंत्र इस साल होने वाले चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी दोहराया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत के साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी सरकारें फिर से एक बार बनाएंगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को ही नहीं सारी दुनिया को जो है वो निर्देशित करेंगे, गाइड करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।